आज की इस वीडियो में जैसे कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल ही गया होगा, मैं आपके लिए कुछ बेस्ट टू वर्स्ट मॉइस्चराइजर्स लेके आई हूँ। मैं जनरली रिग्रेट बाइंग या फिर वर्स्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स की वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मुझे लगता है जो स्किन केयर है वो सब्जेक्टिव होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर कोई प्रोडक्ट मेरे लिए काम नहीं किया तो हो सकता है वो आपके लिए काम कर जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ वर्स्ट प्रोडक्ट टाइप की वीडियो बनाना। बट गाइस, कभी कभी मुझे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे मिल जाते हैं कि मुझे लगता है कि अगर आप उनमें पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको पूरा पैसा कम्प्लीटली वेस्ट चला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास कुछ ऐसे ही मॉइस्चराइजर हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लेना अवॉइड करें। एनीवे, जितने भी मेरे अच्छे वाले मॉइस्चराइजर हैं वो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उन सभी का बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको इन प्रोडक्ट्स को परचेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं डिटेल में अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और कौन सा मॉइस्चराइजर किस मौसम में और किस स्किन कंसर्न को टारगेट करने के लिए सूटेबल रहेगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। डिटेल में मैं वीडियो में बात नहीं करूंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करना चाहूंगी पहले वर्स्ट प्रोडक्ट से, जिसमें मैं रखना चाहूंगी पिलग्रिम का ये 24 कैरेट गोल्ड जेल मॉइस्चराइजर। पैकेजिंग आप देखिए, मुझे इसकी पैकेजिंग इतनी ज्यादा पसंद आई कि मैंने बड़ा खुशी खुशी इसे लगाया। तो और इसके अंदर ये जो आप चमकी पार्टिकल्स देख रहे हैं, ये है इस प्रोडक्ट का मेजर ड्रॉबैक। ये जो चमकी पार्टिकल्स हैं इस जेल काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर में, ये आपकी स्किन पे सिट कर जाते हैं और ये मेल्ट नहीं होते। तो दूर से और अगर छोटे पार्टिकल हो तो पास से वो आपके चेहरे पे दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये जो जेल है बहुत ही ज़्यादा स्टिकी है, स्टिकी होने की वजह से वो जो पार्टिकल्स हैं वो आप रिमूव भी नहीं कर पाते। तो मैंने इसे सिर्फ और सिर्फ एक दिन लगाया था, मेरे पूरे चेहरे पे वो चंकी पार्टिकल्स इधर उधर दिखाई दे रहे थे और इतनी ज़्यादा मेरी जो स्किन है वो स्टिकी हो गई थी कि मैं अगर हंस भी रही थी ना तो स्किन एक दूसरे से चिपक रही थी। तो ये एक प्रोडक्ट है जो मैं चाहूंगी कि आप लोग अवॉइड करें। इसे मैंने लिया था पिलग्रिम की ही विटामिन सी सनस्क्रीन के साथ और अनफॉर्चुनेटली दोनों ही जो प्रोडक्ट हैं वो कंप्लीट वेस्ट हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। देन है डॉट एंड की का ये सीका नासिनामाइड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। डॉट एंड की के जो प्रोडक्ट्स हैं और स्पेशली इनके जो मॉइस्चराइजर्स हैं वो मेरे लिए जनरली काम करते हैं। सीका नासिनामाइड जो इनका मॉइस्चराइजर था, इसकी कंपोजिशन अमेजिंग थी। सीका मिल रहा है जो कि सूथिंग कामिंग प्रॉपर्टी रखता है। नासिनामाइड स्किन बैरियर्स को रिपेयर करता है, डार्क स्पॉट्स पे काम करता है, ओपन पोर्स पे काम करता है। सेरामाइड्स वगैरह बहुत अच्छी कंपोजिशन है, पर समहाउ जब मैंने इस प्रोडक्ट को लगाया तो इस प्रोडक्ट से मुझे कुछ एक्ने की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप, अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव है तो ये प्रोडक्ट से बचें। अगेन हो सकता है आपके लिए काम कर जाए, अगर आपने इसे यूज़ किया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर से बताइएगा। तो ये इस वाली पैकेजिंग में आती है। एक इनका सेम पैकेजिंग में दूसरा मॉइस्चराइजर है जो सैलिसिलिक बेस्ड है, सीका सैलिसिलिक वाला, वो अमेजिंग प्रोडक्ट है। लेकिन सीका प्लस नासिनामाइड वाला जो प्रोडक्ट है उसने मेरे लिए एटलीस्ट काम नहीं किया। देन मैं बात करना चाहूंगी ये नीमली नेचुरल का स्लीपिंग मास्क की, जिसमें आपको सीका एंड मल्टीपेप्टाइड मिल रहे हैं जो कि आपको इस टाइप के पैकेजिंग में मिलते हैं। ये जो नीमली ब्रांड है इसका मैं कोई भी प्रोडक्ट ट्राई नहीं करने वाली थी क्योंकि मैंने इसके बारे में सुना नहीं था। इस प्रोडक्ट को या इस ब्रांड के किसी प्रोडक्ट को मुझे कमेंट सेक्शन में किसी ने बोला कि नीमली ब्रांड के जो रिव्यूज़ हैं वो यूट्यूब पे नहीं है, आप एक बार ट्राई कीजिए। इसकी कंपोजिशन वगैरह देखी, मुझे अच्छी लगी। तो सबसे पहले तो मैंने अभी रिसेंटली आपके साथ एक शॉर्ट्स शेयर किया था, वो आप देखिए। उसके साथ साथ आज मैं बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ। तो 50 ग्राम क्वांटिटी 799 रुपीज़ में मैंने अमेजोन से परचेस की थी। 4 दिन रात में मैंने इसे यूज़ किया क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन थी वो अच्छी मुझे लगी। जेल टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी में आपको मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम मुझे दो फेस करनी पड़ी। पहला, ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी है। मैंने इसे रात में लगाया अच्छी खासी जनरस क्वांटिटी में, क्योंकि स्लीपिंग मास्क जनरली आपको जनरस क्वांटिटी में लगाने चाहिए क्योंकि वो रिपेयर का भी काम करते हैं और क्योंकि इसमें मल्टीपेप्टाइड्स वगैरह हैं तो आपकी स्किन में इलास्टिसिटी वगैरह को भी बूस्ट करेंगे। तो जब मैं सो रही थी तो मैंने देखा कि जो मेरा पिलो कवर है ना वो तक रात में मेरे चेहरे पे चिपक गया था, ये इतना ज़्यादा स्टिकी है। और इतना ही नहीं, मैंने 4 दिन इसे लगाने के बाद ऑब्जर्व किया कि मेरी जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है ना वो भी थोड़ा सा डल लगने लगा है, थोड़ा सा ब्लैकिश, और पता नहीं मुझे लगा कि डल हो गया, ब्लैकिश ही लगने लग गया था। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट मैं कहूँगी कि आप ट्राई ना करें, और क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही नीमली ब्रांड के साथ इतना ख़राब रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि मैं नीमली ब्रांड का कोई भी और प्रोडक्ट ट्राई करने वाली हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। नेक्स्ट जो मेरा जिसने मेरे लिए काम नहीं किया वो है डॉक्टर शेड का गुलाब ग्लाइकोलिक एसिड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये जो ब्रांड है इसके प्रोडक्ट्स कुछ जो
वो बहुत मेरे लिए अमेजिंग तरीके से उन्होंने मेरे लिए काम किया है। कुछ प्रोडक्ट ने बिल्कुल काम नहीं किया और इसके कुछ मॉइस्चराइजर हैं जो ओके काइंड ऑफ में आते हैं, ना ही तो मुझे बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट्स उनसे मिले और ना ही तो वो मैं कहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए काम नहीं किया या मेरी स्किन पर कोई इशू हुआ। ये जो प्रोडक्ट है इसे मैंने लिया जब इनकी बाय वन गेट वन सेल चल रही थी। दो मॉइस्चराइजर लिए थे, एक फेस वॉश और एक फेस मास्क मैंने लिया था गुलाब ग्लाइकोलिक एसिड वाला। तो ये वाला जो मॉइस्चराइजर है इसे मैंने इवनिंग में ट्राई किया क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड मिल रहा है तो विटामिन सी और रेटिनॉल के साथ मैंने इसे अवॉइड किया यूज करना। तो शाम में मैं नासिनमाइड और हेलोरॉनिक एसिड, ये दो इंग्रीडियंट यूज करती हूँ। दोनों ही इंग्रीडियंट हर एक स्किन केयर एक्टिव के साथ जाते हैं तो उसके साथ मैंने इसे लगाया। मैं जितनी क्वांटिटी में मॉइस्चराइजर लगाती हूँ उस क्वांटिटी में लगाया। उसके बाद मैंने देखा कि मेरी जो स्किन है वो खिंची खिंची लग रही है। उसके बाद जितनी यूजर क्वांटिटी में मॉइस्चराइजर लगाती हूँ उसे दुगनी क्वांटिटी में मैंने इस मॉइस्चराइजर को और लिया। उसके बाद जाके मुझे लगा कि हाँ भाई मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी मॉइस्चराइज्ड थी और थोड़े देर के बाद क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो नॉर्मलाइज कर गई। 3 दिन मैंने इसे यूज़ किया, आई गेस 4 दिन यूज़ किया होगा और इससे भी मुझे एक्ने की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इसीलिए एक तो मुझे लगा कि ये जो जेल मॉइस्चराइजर है ये मेरी स्किन के ऊपर ऊपर सिट कर जाता है, ये अच्छे से डीपली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करता। तो इसीलिए और इसके साथ साथ मुझे एक्ने की प्रॉब्लम भी इससे फेस करनी पड़ी। अगेन आपने अगर इनमें से कोई भी प्रोडक्ट ट्राई किया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताइएगा ताकि सबकी हेल्प हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन के लिए मैं कहूँगी कि ये जो 4 मॉइस्चराइजर मैंने आपको बताए हैं इन्हें लेना आप अवॉइड करें क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर्स आपके लिए हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी ओके काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर्स की, जिसमें पहला आएगा एक्वालॉजिका की रेडियंस प्लस रेंज का मोजिस नाइट जेल। ये जो नाइट जेल है ये मुझे ओके काइंड ऑफ लगा, ना ही तो मुझे इससे कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले और ना ही तो मैं ये कहूंगी कि मुझे इससे कोई स्किन इशू फेस करना पड़ा, मतलब इससे ज्यादा बेटर आपके पास ऑप्शन है। तो इसीलिए ये वाला प्रोडक्ट जो है वो ओके काइंड ऑफ है। इसका जो जेलो मॉइस्चराइजर है रेडियंस प्लस रेंज का वो बहुत अमेजिंग है, उसकी 2 डब मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ, वो आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। देन अगेन ये डॉट एंड की का पोमेग्रेनेट मिरेकल विटामिन ई रेविटलाइजिंग मॉइस्चराइजर विद SPF 30। ये जो मॉइस्चराइजर है इसका रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये मुझे ओके काइंड ऑफ लगा, ना ही तो मैं कहूंगी बहुत अमेजिंग है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए। लेकिन हाँ ये मॉइस्चराइजर अगर आपकी स्किन ड्राई है नॉर्मल है तो आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा क्योंकि मुझे मेरी स्किन पे ये थोड़ा सा हैवी लगा। इसमें आपको SPF भी मिल रहा है तो इसीलिए अगर आप घर के अंदर रहते हैं तो ये मॉइस्चराइजर अकेले ही आपके लिए इनफ हो जाएगा। इसके साथ आप चाहें तो कोई सीरम लगाएं और सीरम भी आप अवॉइड कर सकते हैं इस मॉइस्चराइजर के साथ। देन ओके काइंड ऑफ कैटेगरी में मेरे पास है डॉक्टर शेड का केसर कोजिक एसिड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये जो मॉइस्चराइजर है अगेन थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ता है क्योंकि ऑयल फ्री बहुत ही ज्यादा जेंटल मैं कहूंगी मॉइस्चराइजर है, थोड़ा सा लगाने के बाद इनफ नहीं होता है। लेकिन हाँ इससे मुझे कोई एक्ने वगैरह का इशू फेस नहीं करना पड़ा, कोई स्किन इशू फेस नहीं करना पड़ा। अभी इसे यूज करते हुए मुझे सिर्फ 3-4 दिन ही हुए हैं, जल्दी इसका डिटेल रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देन है ये न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल। इसका रिव्यू मैं कभी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। ये जो हाइड्रोजेल है ये मुझे पसंद आया, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। जो मुझे इसके साथ इशू लगा वो है फ्रेग्रेंस, इसमें काफी स्ट्रांग फ्रेग्रेंस उन्होंने यूज की है, कलर इसमें डाला गया है। तो इस वजह से अगर मतलब अगेन इसे भी यूज करने के बाद मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो क्योंकि इसमें कलर और फ्रेग्रेंस दोनों डाला गया है और अगर ये आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से काम नहीं कर रहा है तो मैं आपको कहूंगी कि आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि कोई इशू फेस नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसे ओके काइंड ऑफ कैटेगरी में डाला है। अब मैं बात करना चाहूंगी मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट मॉइस्चराइजर्स की, जिनमें से सबसे पहले नंबर पे तो मैं रखना चाहूंगी डॉट एंड की के ये 2 मॉइस्चराइजर्स को। एक है विटामिन सी प्लस ई मॉइस्चराइजर और दूसरा है इनका नाइट रिपेयर नाइट रिसेट रेटिनॉल प्लस सेरामाइड मॉइस्चराइजर। ये 2 मॉइस्चराइजर हैं जो मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट हैं। अगर आप विटामिन सी सीरम नहीं भी यूज करना चाहते या फिर अगर आप बिगनर हैं चाहे विटामिन सी में चाहे रेटिनॉल में, आप ये 2 मॉइस्चराइजर आराम से अपने स्किन केयर रूटीन में डाल सकते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको वो सारे के सारे बेनिफिट्स देंगे जो आपका सीरम देगा। दोनों ही ये जो प्रोडक्ट है इसमें थोड़ा सा उन्होंने फ्रेग्रेंस यूज किया है, थोड़ा माइल्ड इसमें फ्रेग्रेंस है और इसके साथ साथ कलर भी यूज किया है। बट गाइस मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे इसीलिए मैं इन्हें कंटिन्यूसली यूज करती हूँ। देन मेरे पास है ये वाला मॉइस्चराइजर फॉक्सटेल का, ये है नासिनमाइड वाला। तो विटामिन सी हो गया, रेटिनॉल हो गया और उसके बाद नासिनमाइड। बट एनीवे ये जो मॉइस्चराइजर है ये अमेजिंग तरीके से काम करता है। इसमें नासिनमाइड है, एल्गी है और भी इसमें बहुत सारे अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है 15-20 दिन से मैं इसे यूज कर रही हूँ कि एक अलग से ब्राइटनिंग इफेक्ट आपके चेहरे को देता है, थोड़ा सा लगता है डीपली आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और अगर आपके चेहरे पे इन्फ्लेमेशन
या फिर छोटे मोटे एक्ने की प्रॉब्लम है ना, वो सबको ये ट्रीट करने में आपकी हेल्प करता है। अगेन मेरे चैनल पे आपको इसका डिटेल रिव्यू मिल जाएगा लाइव रिजल्ट्स के साथ। देन है ये कोरियन ब्रांड सुंगजंग, इसका ये जो मॉइस्चराइजर है ये मुझे बहुत पसंद आया। स्पेशली जब मैं अपनी स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करती हूँ तो मॉर्निंग में मैं 2 दिन तक ये वाला मॉइस्चराइजर अप्लाई करती हूँ। एक बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट है। मुझे नायका पे जब मैंने कील्स के कुछ प्रोडक्ट लिए थे उसके साथ ही मुझे फ्री मिला था। एक बार आप ट्राई कीजिएगा इसे, थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आता है बट मस्ट ट्राई प्रोडक्ट है। अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, फाइन लाइंस वगैरह पे बहुत अच्छे से काम करता है, उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा जेंटल है आपकी स्किन के लिए। सिमिलर तरीके से काम करता है कील्स का अल्ट्रा फेशियल ऑयल फ्री जेल क्रीम। ये जो मॉइस्चराइजर है बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, लगाने के बाद लगता है कि जैसे बस आपने वाटर की ही लेयर अपनी स्किन पे लगा ली हो। बहुत ही ज़्यादा सूदिंग भी लगता है जब आप इसे अपनी स्किन पे लगाते हैं, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी ही इनफ होती है आपको पूरा दिन आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए। तो इसीलिए ये वाला एक प्रोडक्ट ले लीजिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है लेकिन बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है। ऑलरेडी इस टब को मैं पिछले 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ और अभी भी आप देख सकते हैं आधा ये बाकी है। ये कुछ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उसके अलावा डॉक्टर शेट की जो सेरामाइड विटामिन सी रेंज है उसके सारे ही प्रोडक्ट्स ने मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया है। तो ये मॉइस्चराइजर है जो मुझे पसंद आया, काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है, तो इसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। देन मैं बात करना चाहूंगी द डमको के सीका ग्लो डेली फेस मॉइस्चराइजर की। ये सीका वाला मॉइस्चराइजर है। अगर आप कोई अपनी स्किन में सूथिंग, कामिंग और थोड़ा सा जो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट दे और आपके स्किन बैरियर्स को भी रिपेयर करने का काम करे तो आप ये मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में आते हैं और इन मॉइस्चराइजर्स में, इन 5 मॉइस्चराइजर में किसी भी टाइप का कोई हार्मफुल केमिकल, इवन फ्रेग्रेंस या कलर भी यूज नहीं किया गया है। तो गाइज यही मेरा आज का कलेक्शन था। ऑलरेडी मैं आपके साथ मेरे बेस्ट सनस्क्रीन पे वीडियो बना चुकी हूँ, मेरे बेस्ट जो 2023 के प्रोडक्ट्स हैं उस पर वीडियो बना चुकी हूँ। तो सारी की सारी वीडियोस के जो लिंक है आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मेरी सारी की सारी रिकमेंडेशन देखने के लिए आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।